जी बिल्कुल, राजेश भी लगातार बने हुए हैं। राजेश, मारियोपोल लगातार रूस के निशाने पर बना हुआ है और वहां पर हमले तेज होते जा रहे हैं। नौबत ही आ गई है कि ज़ेलेंस्की एक बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि मारियोपोल को बचाना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। क्या स्थिति इस वक्त मारियोपोल की? देखिए मलिका, मारियोपोल यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी था। जब 2014 में रूस समर्थित मिलिशिया ने दोनबास के इलाके में कब्जा किया, डोनेस्क और लुगांस्क ओब्लास्ट में, मारियोपोल डोनेस्क ओब्लास्ट का हिस्सा है, सबसे बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का सी ऑफ अजोव के ऊपर, उनके लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा ये प्रतिष्ठा का भी एक पॉइंट था, क्योंकि जो राइट विंग है, जिनको नाजी बोलते हैं, पुटिन नियो नाजी बोलते हैं, अजोव बटालियन के लोग, उन्होंने वहां सबसे बड़ी डिफेंसिस ले रखी थी और उन्होंने आखिरी दम तक वहां लड़ाई लड़ी है। बहुत भीषण लड़ाई हुई है मारियोपोल में। रूसी सेना को घर से घर, कमरे से कमरा क्लियर करना पड़ा है आगे बढ़ने के लिए कब्जा करने के बाद, और अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि पूरी पॉकेट्स क्लियर नहीं हुई हैं। देखिए, वो यूक्रेन को पूरी तरह से सी ऑफ अजोव से काटा जा चुका है, लैंड कनेक्शन यूक्रेन के पास बचा नहीं है मारियोपोल का कोई, तो वहां तो किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए उनको वापस ले पाना लगभग असंभव है, और ये अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस है यूक्रेन के लिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए, और राइट विंग जिनको पुतिन न्यो नाजी बोलते हैं उनके लिए, इसलिए उनके इस तरह के बयान इस बारे में आ रहे हैं। राजेश, जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि रूस के निशाने पर अब यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा आता जा रहा है, तभी खार्कीव, मारियोपोल समेत कई इलाकों पर बमबारी हो रही है। मारियोपोल की जैसे आपने स्थिति बताई कि इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है और वापस कब्जा पाना मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए, और साथ ही रूसी सेना जो लगातार दावा कर रही है डोनबास को लेकर, लुहांस को लेकर, कि 90% से ज्यादा लगभग कब्जे का काम पूरा हो चुका है, इन दावों में कितना दम? देखिए, रूस के जो अभी स्ट्रेटेजी है वो अपना जितना उन्होंने एरिया जीत लिया है, जिस पर उनका कब्जा हो चुका है ऑलरेडी, वो उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो यूक्रेनियन फौजें कर रही हैं अपनी तरफ से, वो काउंटर अटैक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उस कब्जे को कमजोर करने के लिए। इसी तहत हमने देखा कि खरसोन के इलाके में जो सबसे पहला शहर था जिसको रूसी फौजों ने कब्जे में लिया था, वहां काउंटर अटैक्स हो रहे हैं अभी। खार्किव के बाहर के, खार्किव जहां 2-3 दिन से शांति थी, वहां बाहर के बाहरी इलाकों में यूक्रेनियन फौज काउंटर अटैक्स कर रही है, तो इन सब, और खार्किव शहर अभी भी पॉकेट से अंदर शहर के, जहां से यूक्रेन लड़ रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं हुई है। मतलब एक तरह का वहां एक वो है कि कुछ इलाके मेन रूस का कब्जा है, लेकिन पॉकेट्स हैं जहां यूक्रेनियन सिंपेथाइजर्स हैं, यूक्रेनियन लड़ाके हैं वहां पे अंदर अभी तक, और यही हालत हर बड़े शहर की है। यहाँ पे रूसी समर्थन लोग वाले लोग हैं, यूक्रेन समर्थित लोग हैं, और अगर रूस का कब्जा भी हो जाता है तो लोग जो यूक्रेन का समर्थन दे रहे हैं, जैसे हमने खरसोन में देखा जब उन्होंने रैली निकाली थी जिसके ऊपर फायर किया गया था सैनिकों द्वारा, तो हर शहर में यही हालत बनी हुई है अभी। हर जगह एक असमंजस का माहौल है, कोई नहीं जानता कि कौन किसको समर्थन कर रहा है और किसका पूरी तरह से कंट्रोल है। इस तरह की हालत बड़े शहरों में है। टेरिटरी का जहां तक सवाल है, जमीन का सवाल है, वो लगभग पूर्व और साउथ में जो रशियन फोर्स ने कंट्रोल में ले ली है, उनका उस पर नियंत्रण काफी पुख्ता है। मलिका, बिल्कुल राजेश, देखिए रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को मटिया मेट कर रखा है और जैसे कि तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बेहद भयावह हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, रूस द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब इस युद्ध का पहला चरण समाप्त हो चुका है और अब इसकी एंट्री दूसरे फेज में होने वाली है, इसके क्या मायने हैं? पहले फेज का उनका मतलब था जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे। मलिका, देखिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कुछ पर्टिकुलर शहरों पे कब्जा चाहते थे, कुछ जमीन पे कब्जा चाहते थे, डोनबास का इलाका जिनको उन्होंने इंडिपेंडेंट मुल्क घोषित कर दिया है, ताकि वो पूरा इलाका जो कि युद्ध से पहले सिर्फ 30% रूस समर्थित मिलिशिया के पास में था, वो पूरा उनके अंडर में आ जाए। उनके ये लगभग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं।